हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्ज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर ABCD है, उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है और उस स्क्वायर का साइड भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम्ब प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और एक 1 कूलम का चार्ज है उसको सेंटर पर रख दिया। तो देखो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, है ना। तो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड है ए बी सी डी कॉर्नर। तो ए पर जो चार्ज है क्यू ए वो 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम और क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहां पर -2 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम, फिर 2 माइक्रो कूलम यहां पे सी पर, डी पर -5 माइक्रो कूलम। तो कह रहा है सेंटर पर रखेंगे, तो सेंटर कहां होगा? जहां पर इसका डायगोनल कट करेगा, किसका? इस स्क्वायर का डायगोनल जहां पर कट करेगा। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा ये, तो इस जगह पे कट कर रहा होगा। तो यहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जरा नेट फोर्स की बात करें तो यहां पर हम लोग क्यू नॉट जो चार्ज रखे हैं उस पे नेट फोर्स कह रहा है। क्यू नॉट, क्यू नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ? क्यू नॉट 1 माइक्रो कूलम, और ये 10 सेंटीमीटर का साइड है, मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो सारा बराबर ही होगा। तो जो फोर्स लगेगा सेंटर पे वो क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपल करेगा एफ ए। वैसे ये क्यू सी भी रिपल करेगा क्योंकि क्यू सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एफ सी भी रिपल करेगा। पर बी और डी निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो एफ बी इधर और एफ डी इधर। ठीक है, ऐसा फोर्स। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को देखना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो सारे की वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का जो एक डायरेक्शन में जैसे है, जैसे एफ ए और एफ सी, वो दोनों को सबसेट कर देंगे पता चल जाएगा, एफ बी एफ डी दोनों को सबसेट कर देंगे पता चल जाएगा, और सबका सम रिजल्टेंट वेक्टर सम करेंगे पता चल जाएगा। तो सारा एक ही डिस्टेंस पे होगा क्या? क्योंकि सेंटर है तो ए बी और सी से सेंटर का डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए इस पॉइंट पे, है ना। तो सेम होगा जैसा हम लोग को यहां पे समझ में आ रहा है, और होगा ही। तो यहां से हम लोग फोर्स लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू, मतलब F A इक्वल टू K Q A इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। तो R जो भी है वो R स्क्वायर वैल्यू रख देंगे वहां पर, और F B इक्वल टू अगर करेंगे तो K Q B Q नॉट बाय R स्क्वायर, फिर F C भी करेंगे तो K Q B Q नॉट, सॉरी F C का वैल्यू कर रहा है ना, तो K Q C Q नॉट बाय R स्क्वायर, और FD का वैल्यू भी FD इक्वल टू K Q C Q नॉट बाय R स्क्वायर, यही होगा। तो जो भी होगा, तो यहां पर FA और FC दोनों जस्ट अपोजिट है, FA और FC अपोजिट है और FB और FD अपोजिट है, है ना। तो यहां पर हम अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स अगर निकालना चाहेंगे तो FA वेक्टर प्लस एफ बी वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर प्लस एफ डी वैक्टर, है ना, ये लिखेंगे। तो वैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एफ ए और एफ सी बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ए एफ सी क्यों बराबर होगा? क्योंकि क्यू ए और क्यू सी बराबर है, क्यू ए और क्यू सी बराबर दिया हुआ है, और क्यू डी और क्यू बी ये भी बराबर है, है ना, QB और QD भी बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर FA पॉजिटिव होता है तो F सिर्फ इसमें QA और QC डिफरेंस है ना, और तो सब कुछ सेम ही है FC और FA में। तो अगर QA पॉजिटिव है तो QC नेगेटिव होगा, और QB अगर पॉजिटिव है तो QD नेगेटिव होगा, कह सकते हैं ऐसा। तो FA से FC कैंसिल हो जाएगा और FB से FD कैंसिल हो जाएगा, बराबर फोर्स लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा है,
एफ सी और एफ ए बराबर है, एफ बी और एफ डी बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, जस्ट अपोजिट भी है और बराबर भी है, तो कैंसिल कर देगा तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, तो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो ऑन दैट चार्ज वन माइक्रो कूलम। तो हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पे ऐसे निकल गया। ठीक है, तो थैंक यू, रहने देते इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।